गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग की फिजिक्स की क्लास चल रही है। मैक्सवेल माधवी शिमाली B.Sc. 3rd ईयर के अंदर आप लोग थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आप लोग मैक्सवेल की इक्वेशन चल रही है, जिसमें आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ चुके हैं। फोर्थ मैक्सवेल की इक्वेशन डिराइव करनी है। फोर्थ मैक्सवेल की इक्वेशन आपकी एम्पेयर के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पेयर की कुछ इक्वेशन है जो पुराना आदर्श फेल हो गया था, उसी को अभी नए फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। उस इक्वेशन को आपका B.Sc. 3rd ईयर का क्लास चल रहा है फिजिक्स का, आप लोग पढ़ रहे हैं पेपर 3rd इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और अभी तक आपका इक्वेशन चल रहा है मैक्सवेल्स का इक्वेशन। आप लोग मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन पर आ गए हैं। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के लिए मैक्सवेल ने एम्पेयर का जो लॉ है, इस लॉ में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। करेक्शन करने के लिए उसमें सबसे पहले तो एक एम्पेयर लॉ समझना पड़ेगा कि एम्पेयर लॉ का क्या स्टेटमेंट है। एम्पेयर लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो होती है, उसका मैग्नेटिक वेक्टर जो होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्लोज विद इन द पाथ ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप के पाथ में जितना भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डेवलप हुई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के बराबर होता है। दैट मीन्स कि आपका परिपथ है, ये पूरा परिपथ के अंदर एम्पियर के नियम के अनुसार, यदि कोई परिपथ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र एच उपस्थित रखा गया है, का मान उसमें बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र पर के कारण उत्पन्न धाराओं की योग के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी परिपथ में, यानी कि लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, तो छोटे एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसका सम अगर मैं पूरे पार्ट के लिए कर देती हूँ, तो उसकी वैल्यू पूरी लाइन की सम की वैल्यू के बराबर होता है। इसको समझने के लिए क्लोज्ड सरफेस एच डी एल इज इक्वल टू द समेशन आई, ये छोटा सा एलिमेंट है डी एल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एच जनरेट हो रहा है, इसका अगर मैं पूरे का इंटीग्रेशन निकाल दूँ, तो लाइन में यहाँ से यहाँ तक किसी भी बंद परिपथ में कुल धारा उत्पन्न जितना पूरा करंट आई डेवलप हुआ है, उसकी मान के बराबर होगा। इफ एस इज द एरिया, अगर एस एरिया है, देन तो उसका करंट डेंसिटी, यानी कि पूरा समेशन आई, अगर करंट पूरे में यहाँ से यहाँ तक करंट आई है, तो उसका करंट डेंसिटी भी होगा धारा घनत्व, जो कि जे डॉट डी ए की वैल्यू के मान के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एच सी एच डॉट डी एल, चूँकि दोनों इक्वेशन आपस में है, मैं इक्वल कर सकती हूँ डी ए की वैल्यू के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग स्टॉक की थ्योरम यूज़ करते हैं, स्टॉक की कर्ल थ्योरम का यूज़ करें। स्टॉक की कर्ल की थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है, उसको नंबर ऑफ, अगर मैं डिवीजन कर देती हूँ, तो नंबर ऑफ डिवीजन में छोटे से एलिमेंट में का मान उस पूरे के वॉल्यूम इंटीग्रल के, सॉरी सरफेस इंटीग्रल के मान के बराबर होता है। यानी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एच।
डॉट डी की वैल्यू के बराबर होगा इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को इक्वल करने पर। इक्वेटिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर सरफेस डेल क्रॉस एच डॉट डी ई इज इक्वल टू एस जी डॉट डी ए। चूंकि दोनों तरफ इंटीग्रल एरिया के लिए लिया गया है तो मैं इसका ऑर्बिटरी ले सकती हूँ। ऑर्बिटरी लेने पर डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जी ये वैल्यू यहाँ पर जे के बराबर हो जाएगी। ये आपका एम्पियर का नियम है, ये आपका करंट का पूरे का एम्पियर का लॉ है। इस एम्पियर के लॉ में सम ऑफ द करेक्शंस किए गए, सो करेक्शन इन एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ में क्या करा गया, ये डेल क्रॉस एच जो आपकी इक्वेशन नहीं थी, इस इक्वेशन में डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब आपको पता है कि जब डेल का ऑपरेटर के साथ किया जाएगा तो इसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वलेंट टू जीरो की वैल्यू के बराबर होती है डेल डॉट एल का। अगर ये ज़ीरो है तो डेल डॉट जे की वैल्यू भी पूरी की पूरी ज़ीरो की इक्वेशन हो जाएगी, सारी वैल्यू ज़ीरो हो गई, कुछ भी नहीं बचेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कंटिन्यूटी की इक्वेशन यूज़ करते हैं यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन में डेल डॉट जी प्लस डेल ड्रू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जी। यहाँ पर डेल डॉट भी ज़ीरो हो गया, रो की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। तो एम्पियर का नियम ये कहता है कि अगर करंट स्टेबल है यानी कि स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, धारा का मान नियत है, तो ऐसी कंडीशन में रो का मान भी लगभग ज़ीरो हो जाता है। ये मान सत्यता है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन में रो का मान जो है वो शून्य नहीं होता। इसलिए जब टोटल करंट की बात की जाती है, कुल धारा का बात किया जाता है, तो उसमें चार्ज डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी और विस्थापन करंट यानी कि इन सब के योग के मान के बराबर होता है। इसलिए डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जी डी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होता है चार्ज का वन पोजीशन टू अनादर। डेल जे जो है वो कंडक्शन करंट डेंसिटी है और जी डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू है। जे कंडक्शन करंट डेंसिटी है और जी डी डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। अब इसकी चलिए तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल जी प्लस जी डी, चूँकि डेल ऑपरेटर तो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो डेल जी प्लस जी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। देन डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस यहाँ दे देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं तो डेल जी डी हो जाएगा कि डेल जी डी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस डेल रो बाय डेल टी, क्योंकि हम ये जानते हैं डेल डॉट जी की वैल्यू होती है माइनस डेल रो बाय डेल टी के। डेल जी डी इज इक्वल टू डेल रो बाय डेल टी और वी नो दैट रो इज इक्वल्स टू डेल डॉट डी की वैल्यू के बराबर होता है, सो जी डी इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी डेल डॉट टी की वैल्यू के बराबर।
then del gv is equals to del operator del by del t d की वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ पर आपके जे डी की वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों डेल ऑपरेटर हैं तो मैं इसको जे डी इज इक्वल्स टू डेल डी बाय डेल टी लिख सकती हूँ। ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को अब आओ इक्वेशन में पुट करेंगे। आपकी इक्वेशन थी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी। ये इक्वेशन थी, इसमें इक्वेशन में पुट करना है एच इज इक्वल टू जे प्लस जेल डी बाय डेल टी। इस इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी लिख सकती हूँ, तो ये जेल प्लस एप्सिलॉन ई बाय डेल टी। सो बोथ द इक्वेशन दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल डी बाय डेल टी कहूँ या डेल क्रॉस एच जी प्लस एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी। बोथ द इक्वेशन आर सेट टू बी फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन। आपकी चार इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ आपकी चार इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। Thank you.